गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जब वर्कशॉप में काम करते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं, तो जॉब के ऊपर हम लोग मार्किंग करते हैं और मार्किंग को परमानेंट करने के लिए, अस्थाई करने के लिए उसके ऊपर एक टूल्स का प्रयोग करते हैं। उस मार्किंग टूल को हम लोग पंच कहते हैं। आइए पंच का सबसे पहले हम फिगर देखें और उसके बारे में हम चर्चा करें। ये फिगर जो देख रहे हैं, ये पंच का फिगर है। पंच जो है एक मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग मार्किंग को अस्थाई करने के लिए करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पार्ट्स है, ये सबसे ऊपरी वाली पार्ट को हम लोग हेड, मध्य भाग को बॉडी और नीचे वाला भाग को पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का, और यह जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसको जो है हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। पंच का स्पेसिफिकेशन हम लोग उसके लंबाई और उसके डायमीटर से लेते हैं। पंच जो है कार्य के हिसाब से बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। एक एक करके अब इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पंच जो है ये प्रिक पंच है। ये फोटो में भी आप लोग देख रहे हैं, ये प्रिक पंच है पहला, जिसका जो पॉइंट का जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल होता है। 30 डिग्री का एंगल, इसका पॉइंट एंगल जो है 30 डिग्री का होता है और इसका प्रयोग मुलायम धातु जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम शीट्स और पीतल का जो शीट्स होता है उस पर लाइट मार्किंग के लिए किया जाता है। जहाँ पे हैवी मार्किंग करना है तो हम दूसरा पंच का प्रयोग करेंगे। दूसरा डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है और इसका प्रयोग लाइन को खींचने में जो होता है, लाइन को खींचने में अस्थाई करने के लिए किया जाता है। खींची गई लाइन को पक्का करने के लिए हम लोग किसका डॉट पंच के लिए प्रयोग करते हैं। यह साधारणतः इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। नंबर 3 सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है और इसका प्रयोग हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं उस समय ड्रिलिंग के बेब को उचित आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब हम ड्रिलिंग पे जाते हैं, अगर उसका लोकेशन सही नहीं होगा तो ड्रिलिंग कहीं भी हो जाएगा। अतः उसको सही लोकेशन, सही बिंदु पे हमको ड्रिलिंग करने के लिए उसके पहले वहाँ पे हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच का फोटो यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए 90 डिग्री। ये तीनों पंच देखने में तो एक ही जैसा होता है, मगर प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री और डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री और सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। हॉलो पंच। हॉलो पंच का प्रयोग हम लोग चमड़ा या कोई भी पतला शीट्स का जो है वाशर काटने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो नल के अंदर में वाशर या चमड़े का वाशर यूज करते हैं, उसको हम लोग हॉलो शीट से, हॉलो पंच से काट सकते हैं। हॉलो पंच का फोटो यहाँ दिया हुआ है, क्लोज हॉलो पंच। पिन पंच। पिन पंच एक प्रिक पंच के जैसा ही होता है, मगर उसका अगला भाग एक जो है नुकीला निकला हुआ रहता है और उसके अगले ऊपरे सिरे पे जो है नर्लिंग किया हुआ रहता है। पिन पंच का प्रयोग हम लोग जो है डोवेल पिन और लॉकेटिंग पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। आइए हम फोटो के द्वारा भी आपको दिखा देते हैं कि डोवेल पिन और पिन पंच का प्रयोग यहाँ पे ये डोवेल पिन और लॉकेटिंग पिन का निकालने के लिए किया जा रहा है। बेल पंच, यह एक विशिष्ट प्रकार का पंच है। इस पंच का प्रयोग बेलनाकार पार्ट्स को सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं, ये बेल पंच है। ये देखिए बेल पंच का फोटो है और इस बेल पंच को एक बेलनाकार जॉब के ऊपर में रख दिया गया। ये दोनों साइड से इसके लेग इसके बेलनाकार जॉब के ऊपर आ जाता है और उसके बाद इसको हैमर से ठोकने पर इसका बेलनाकार का सेंटर बिंदु पे लग जाता है। इस प्रकार से हम कोई बेलनाकार जॉब का हम सेंटर ज्ञात कर सकते हैं।
पैड पंच। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हॉलो पंच का प्रयोग वाशर काटने के लिए करते हैं, तो वो वाशर जो है छोटे आकृति का होता है। जब हमको बड़ा सीट्स को काटना है, बड़े 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 आकार का हमको होल का निर्माण करना है, तो हम लोग बैड पंच का प्रयोग करते हैं। तो बैड पंच का पिक्चर यहाँ पे, बैड पंच का पिक्चर है। बैड पंच का प्रयोग बड़े आकार के होल काटने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जो सीट्स बैड पंच के द्वारा काटा जाता है, उसको एक रॉड के द्वारा ठोक के हम लोग निकाल लेते हैं। सॉलिड पंच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के घर पे जो रूफ पे हम लोग जो चादर डालते हैं, उस चादर में जब हमको छेद करना रहता है और नीचे से नट बोल्ट जब हम टाइट करते हैं, तो वो छेद करने के लिए एक सॉलिड पंचू टाइप का हम लोग एक रॉड का उपयोग करते हैं, जिससे कि सीट पर छेद करते हैं। वो वास्तविक में हमारा सॉलिड पंच है। सॉलिड पंच का प्रयोग हम लोग मेटल सीट में रिवेटिंग हेतु होल को बनाने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग सीट मेटल वर्कशॉप में सीट में होल करना होता है, तो हम लोग सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। सॉलिड पंच का फिगर आप यहाँ, ये सॉलिड पंच के द्वारा हम लोग एक सीट में होल कर रहे हैं। इसके द्वारा होल किया जाता है सॉलिड पंच के द्वारा। नंबर और लेटर पंच, जब हम जॉब तैयार कर लेते हैं तो उसके ऊपर कभी हमको अपना रोल नंबर या कभी हमको अपना नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसा एक पंच जो है आता है, जिसमें कि लेटर और नंबर का उल्टा साइज उसके अंदर लिखा रहता है। हैमर की सहायता से जब हम ठोकते हैं, तो हमारे मेटल सीट के ऊपर में वो नंबर और या लेटर उभर जाता है। इसी पंच को हम लोग नंबर और लेटर पंच कहते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी मेटल के ऊपर में कोई भी ABCD से लेकर Z तक और 1 से 0 तक यह पाया जाता है, और इसके द्वारा हम लोग नंबर और लेटरिंग करते हैं। ऑटोमेटिक पंच एक विशेष प्रकार का पंच है, जिसके द्वारा हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग पंच करते हैं। और ये पंच का जो है एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें दोनों 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों होता है। ऑटोमेटिक पंच का प्रयोग हम लोग हाथ से एक उसके अंदर प्लंजर बना हुआ रहता है, डायरेक्ट करते हैं, इसमें हैमर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अतः इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पंच जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और पंच में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पंच के अंदर में, पंच के ऊपर एक मार्किंग किया हुआ रहता है, ये डायमंड शेप का, इसको हम लोग नर्लिंग कहते हैं। पंच का प्रयोग हम लोग अस्थाई मार्किंग के लिए करते हैं, और इस अस्थाई मार्किंग को हम लोग बिटनेस मार्क भी कहते हैं। ये बिटनेस मार्क इसलिए कहते हैं कि यह कारीगर का पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। यह तब तक नहीं मिटता है जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। अतः यह सही शेप में जॉब को बनाने के लिए कारीगर को जो है पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। अक्सर 3 से 5 mm के दूरी पे हमको पंचिंग करना चाहिए, और पंचिंग शो स्पष्ट होना चाहिए। इस समाप्त होता है। अगले क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।